हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अमरदीन ओडन राइडर स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, मैं रुका था पिछले कल पठानकोट में। मैं हो चुका हूं अभी रेडी और मैं अभी निकलूंगा। सामान कुछ मेरे पास ज्यादा नहीं है, एक है टॉप बॉक्स और एक ये बैग है। ये बैग थोड़ा सा हैवी है बट ठीक है, नॉट एन इशू। इसको मैं ना कैरी करके कहीं भी जा सकता हूँ। सो चलते हैं, करते हैं चेकआउट और निकलते हैं आज के सफर पे। विंडशील्ड से लेके पूरी हेडलाइट, मड गार्ड, पूरे मड से सने हुए हैं। ये देखो, यहाँ से देखो पूरी बाइक, बुरा हाल है। ये आ गया अपना टॉप रैक, बाइक बांध दिया। चलते हैं गाइस, निकलते हैं। 9 तो पहले ही बज चुके हैं। हेलमेट पे माउंट कर दिया मैंने अपना कैमरा। मैं रुका था इस होटल पे, इसका नाम है होटल लवी इंटरनेशनल। नाम इंटरनेशनल है पर काम इंटरनेशनल नहीं है इसके अंदर से, और एवरेज ही है। सो चलते हैं गाइस, और मैप लगा दिया है मैंने। जय माता दी। और लेना है मुझे राइट, और जो मेरी डेस्टिनेशन है वो है 24 किलोमीटर, और डेस्टिनेशन का नाम है मुक्तेश्वर धाम पठानकोट। यहाँ से 24 किलोमीटर है, ETA वहाँ का है 9:51 का। 10 बजे के आसपास पहुँचूंगा अगर रास्ते में मैं कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं रुका तो। यहाँ पे दो तीन चीज़ें ऑब्जर्व की पठानकोट में। सबसे पहले तो जितने भी ये गाड़ियों गुड़ियों वाले हेलमेट नहीं पहनते इधर। ये देखो, ये तीन तो ये हो गए, चौथा ये हो गया, पांचवा सरदार जी, चलो इन्होंने पगड़ी बांध रखी है, अंकल आंटी देखो इन्होंने पहन रखा है, एक भाई साहब ने। यार वो प्रचलन नहीं है हेलमेट पहनने का, लोग बेखौफ होके विदाउट हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं इधर, तो वो भी एक बात मैंने ऑब्जर्व की है। दूसरी बात कि यहाँ पे ना हाई वोल्टेज लाइन बहुत है, और हाईवे के ऊपर से मैंने बहुत देखी, और खेतों के बीच में भी बड़े बड़े टावर हैं हाई वोल्टेज लाइन के। तो ये इसलिए हो सकता है कि यहाँ पास में जो बिजली बनती है, और पास में बिजली कहाँ बनती है एक रेफरेंस तो मैं बता देता हूँ, रंजीत सागर बांध है इधर, एक बांध पे भी बिजली बनती है। और रंजीत सागर बांध है वो भी दिखाऊंगा आपको अपने ब्लॉग में। वेलकम टू रंजीत सागर डैम, शाहपुर खंडी डैम। ये पहुंच ही गया क्या मैं इधर? मैं नाम ही ले रहा था यार। नहीं ऐसा नहीं होगा, पूछते हैं इनसे। सर यहाँ पहले इसके मुक्तेश्वर धाम टेंपल आएगा या डैम आएगा पहले? पहले मुक्तेश्वर धाम आएगा। जो सर थे ड्यूटी पे यहाँ पे, उनसे बात की, उन्होंने बोला पहले आएगा मुक्तेश्वर धाम। तो हम पहले दर्शन करेंगे मुक्तेश्वर धाम के, फिर चलेंगे हम रंजीत सागर बांध देखने के लिए। यही है ये पार्किंग, तो यही बता रहे हैं। सबसे पहले उतरते मुझे जो दिखा वो दिखाता हूँ, बाकी की बातें बाद में करता हूँ। ये देखो भाई, रावी नदी है शायद, ये बड़ी सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा पानी है इसमें, और क्या ही सुंदर लग रहा, पूरा नीला पानी है इधर। हेलमेट रख दिया, अब मैं चल रहा हूँ आगे, पूरी नीचे तक सीढ़ियाँ उतर के जाना है। मुक्तेश्वर धाम जो मंदिर है ना, बोलते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान ना यहाँ पे तपस्या की थी, यहाँ गुफाएं उनकी, वो देखेंगे चल के। मैं नदी के बस किनारे पे पहुंचने वाला हूँ, और सीढ़ियाँ देखो, सीढ़ियाँ, और ये मिट्टी की सीढ़ियाँ हैं, ये कोई ऐसा नहीं है पक्की सीढ़ियाँ हैं, फट्टे लगा रखे हैं और मिट्टी को सीढ़ियों की तरह कर रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे ना पूरा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, शायद इसे डेवलप कर रहे हैं इस मंदिर परिसर को। और वाह, ठंडी हवा ने तो दिल खुश कर दिया है, गर्म धूप का एहसास नहीं होने दे रही है ठंडी हवा। मुक्तेश्वर धाम को जो मिनी हरिद्वार भी बोलते हैं, मुझे याद आया कि बता दूं आपको अपने ब्लॉग में। Thank you.
तो गाइस मुक्तेश्वर धाम के दर्शन कर लिए हैं, अब मैं निकल रहा हूँ डैम एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ से है 5-6 किलोमीटर ना। चलो जी, अभी टाइम 10:30 ही हो रखे हैं और गर्मी आई, गर्मी जान लेने वाली है। अभी जली ठंडी ठंडी हवा, पूरा पसीना पसीना हो गया था मैं। जहाँ से मैंने टर्न लिया था ना मेन हाईवे से, वहीं से ऊपर जाना है मेरे को, तो इसी हाईवे पे आ गए आगे चल के डैम जो है। बजरंगबली की जय। डैम साइड 5 किलोमीटर है यहाँ से। ओ, 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 ओ क्या ही सुंदर नज़ारे थे, यहाँ तो रुकना चाहिए था। यहाँ रुके, ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ ऊपर से डैम। ये देखो भाई यहाँ से बड़ा ही सुंदर लग रहा है डैम पूरा। डैम तो वहाँ पे है पर ये पूरा पानी आ रहा है ना पूरी रावी नदी का। भाई साहब मज़ा आ रहा है, देखने लायक जगह भाई, देखने लायक, सुंदर, अति सुंदर। ये हाईवे देखो और ये साथ में दृश्य बड़ा ही सुंदर है। 5 किलोमीटर और बैटरी 17% बची है, मोदरी चेंज करूँगा जाके। ये कहाँ से आई, पंजाबी में लिखा है नहीं पता। ये क्या लिखा बोर्ड पे, धार नेचर रिट्रीट 6 किलोमीटर, अटल सेतु 33 किलोमीटर, रंजीत सागर डैम 3 किलोमीटर और मुक्तेश्वर धाम 5 किलोमीटर पीछे रह गया। सब पंजाबी में लिखा हुआ है, समझे तो समझे कैसे, करें तो करें क्या, सब पंजाबी में ही लिखा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और बाइक बहुत गंदी हो गई, कहीं वॉशिंग पॉइंट दिखेगा हाईवे के आसपास में तो मैं इसको वॉश भी करवा ही दूंगा। डैम साइट यहाँ से नीचे की तरफ है, लेफ्ट साइड में रास्ता बड़ा सुंदर बना रखा है डैम तक का भी इन्होंने। आगे चेक पोस्ट है, लिखा है वेलकम टू रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट। धीरे चलते हैं, पुलिस वाले भैया बहुत हैं, पंजाब पुलिस है, एंट्री उंट्री होती होगी इधर। डैम देखने जा रहा हूँ सर। हाँ जी, मैं पीछे से आया, मैं आज पठानकोट से चला था सुबह। जब पठानकोट से आए है ना वहाँ से दिखता है जो वैन है ना। हाँ जी, अच्छा अच्छा ओके, देख लेना आगे काम चल रहा है, बंद किया है। ओके आ जाना जब 5-7-10 दिन बाद। अच्छा जी, तो रंजीत सागर बांध जो है वो है बंद, उसका कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। सर ने मना किया कि नहीं जा सकते, प्रेशर वॉश करवा ही लेते हैं। वॉश कर दोगे, वॉशिंग करनी है? हाँ धुलाई कर देना भाई, थोड़ा सा ठंडा होने दो, 5-10 मिनट ना फिर कर देना। भाई ये कहाँ जलती है इधर, ये वाली चीज़ मिनी गोवा से आई है क्या, इधर पास में ही है ना मिनी गोवा के, तो मिनी गोवा ही चलेंगे आज फिर। सो बाइक लेते हैं धुलवा, इधर बुरी हालत है, धुल जाएगी तो अच्छा है। सो गाइस अभी बाइक धुल रही है, देखो नहीं निकल रही है मिट्टी बाइक से पूरी। बाइक धुल जाएगी उसके बाद, बगल में ही बाइक की दुकान है, यहाँ से कराऊंगा चेन लूप।
सो गाइस बाइक हो गई वॉश, चेन भी हो गई लूप, और ये मैंने करवाया है रंजीत सागर डैम के पास में ही है, विश्वकर्मा ऑटो वर्क, और लड़के बहुत अच्छा काम करते हैं भाई लोग। ओहो चढ़ जाएगी, ओके बैक करनी पड़ेगी। देख लो भाई मोड़ थोड़ा सा कंजस्टेड है, मोड़ थोड़ा सा है पीछे, कहीं पिकनिक वाली बस है। हम पहुंच चुके हैं लेक, और लेक कौन सी है, हम लेक के नाम का भी नहीं पता मुझे वो भी पता करना अभी। रंजीत सागर डैम, द लेक इज डीप डार्क डेंजरस सो कीप अवे फ्रॉम इट। और जैसे मैंने बोला कौन सी लेक है पता नहीं मुझे, तो बोर्ड दिख गया मुझे और बोर्ड पे लिखा था रंजीत सागर लेक है। चलो डैम नहीं देखा तो लेक देख ली है ना, और वहाँ पे बोटिंग भी हो रही है इस लेक में। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, और फैमिलीज बहुत आ रखी हैं इधर। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ रंजीत सागर लेक के पास में, आई एम एट मिनी गोवा, मिनी गोवा में हूँ, और मिनी गोवा में देख सकते हैं यहाँ से बड़ा सुंदर व्यू है। चल के पता करते हैं कि बोटिंग के कितने चार्जेस हैं इधर। भाई चार्जेस क्या हैं इसके? 400 पर पर्सन सर। अच्छा जस्टी का 1500 पर पर्सन। 1500 यस। नॉर्मल जो जा रही है बोट इसमें 400 पर पर्सन। कितनी देर की राइड होती है भैया? 2-3 किलोमीटर का राउंड होता है। अच्छा अच्छा सो भाई जो फास्ट बोट है उसकी 1500 पर पर्सन है, और नॉर्मल जो बोट जा रही है जिसमें सभी कम मिल के जाते हैं उसमें 400 रुपया पर पर्सन है, और 2.5 से 3 किलोमीटर का राउंड करवाते हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं। तो ये जो है से ATV बोलते हैं, और इसमें जो है 300 पर पर्सन वाल लगता है, 10 मिनट की राइड होती है और खुद ही बंदा चलाता है। सही है यार, एडवेंचर के लिए जो आया होगा वो कर सकता है। देखो अंकल चला रहे हैं, चीज़ें लेके चले जाएंगे फटा के। ये है मिनी गोवा जो मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया आपको, और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, खाने के लिए फूड स्टॉल हैं, बच्चों को खेलने के लिए भी चीज़ें हैं, बोटिंग है, एडवेंचर कर सकते हैं, और जो प्राइसेस हैं वो मैंने आपको बता ही दिए कि किस चीज़ के क्या प्राइसेस हैं, बोटिंग का क्या प्राइसेस हैं, ATV बाइक राइड का क्या प्राइस है, सारी चीज़ें बता ही दी मैंने आपको। तो अभी मैं निकलूँगा वापस यहाँ से, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, राइट सेफ एंड स्टे सेफ गाइज।